coming. हेलो एवरीवन, तो आज हम देखेंगे ओप्पो F7 की अनबॉक्सिंग, जो कि ऑलरेडी मैंने इसकी कर रखी है, लेकिन आज हम करेंगे इसके डायमंड कट वाले डिज़ाइन की अनबॉक्सिंग। तो देख सकते हैं यार, बॉक्स के पीछे आपको सेम डिटेल्स मेंशन है। आपको इसमें 6.23 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा। हमारे पास 64GB वाला वेरियंट है। 3600mAh की बैटरी मिल जाती है आपको इसकी, और फ्रंट मेगापिक्सल 25 का है, और पीछे की तरफ आपको 16MP का कैमरा मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको सारी डिटेल्स मेंशन है। तो देख लेते हैं इसके पीछे सारी स्पेसिफिकेशन, और चलिए आप कर लेते हैं अपने बॉक्स को अनबॉक्स। कुछ इस तरीके से आप खींच कर अपने बॉक्स को इस कवर से निकाल सकते हैं। तो देख सकते हो ओप्पो ने अपने तीनों तरफ चारों तरफ इसके ब्रांडिंग दे रखी है ओप्पो। तो जल्दी से खोल लेते हैं अपने बॉक्स को। बॉक्स खोलते ही हमें सबसे पहले अपना हमारी मेन यूनिट दिख जाती है, जो कि हमारा है ओप्पो F7 डायमंड कट डिज़ाइन वाला फ़ोन। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी प्रोटेक्टिव कवर के अंदर रखा हुआ है। तो चलिए इसमें से भी बाहर इसको निकाल लेते हैं। कुछ इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं आपके सामने आपको फुल व्यू वाली डिस्प्ले मिल जाती है 6.23 इंच की। तो पीछे आपको देखो इस तरीके का कुछ डायमंड कट वाला डिज़ाइन मिल जाता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है फ़ोन, काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है फ़ोन। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है ओप्पो के फ़ोन की। देख सकते हो बड़ा शाइनिंग ग्लास है इसका पीछे का बैक साइड का। तो आगे की तरफ चलिए एक फिज़िकल ओवरव्यू ले लेते हैं फ़ोन का। आगे की तरफ आपको फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है। फ्रंट 25MP का कैमरा मिल जाता है। फ़ोन के पीछे की तरफ आपको 16MP का कैमरा मिल जाता है। एक फिंगरप्रिंट सेंसर, ओप्पो के ब्रांडिंग और कुछ अच्छा सा डिज़ाइन मिल जाता है पीछे की तरफ। फ़ोन के लेफ्ट साइड में आपको एक सिम ट्रे मिल जाती है, जिसके नीचे एक दिया हुआ है पावर बटन। फ़ोन के राइट साइड में आपको वॉल्यूम ब्रोकर्स मिल जाते हैं। देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इनकी। ऊपर की तरफ आपको एक नॉइज़ कैंसिलेशन माइक मिल जाता है, और कुछ भी नहीं है। नीचे की तरफ आपको एक हेडफोन जैक और एक चार्जिंग पॉइंट और एक माइक मिल जाता है। चलिए कर लेते हैं अपने फ़ोन को ऑन। चलिए जब तक हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है, जब तक देख लेते हैं बॉक्स के हमें और क्या चीज़ें मिल जाती है। तो हमें फ़ोन के अंदर एक और बॉक्स दिखाई दे रहा है, शायद इसके अंदर इसका बैक कवर है। हाँ जी, वही है, देख सकते हो सिलिकॉन वाला है, सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है। क्वालिटी देख सकते हो लगाने के बाद कुछ इस तरीके से आपके बैक ग्लास को प्रोटेक्ट करेगा स्क्रैच वगैरह से। तो कुछ इस तरीके से लुक देता है, देख सकते हो आप। तो चलिए रख लेते हैं अभी के लिए साइड में ही। कुछ यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड है, अभी के लिए रख लेते हैं साइड में। देखते हैं हमारे वॉल चार्जर को। ये कुछ ओप्पो की ब्रांडिंग के साथ आता है आपको, कुछ ज़्यादा हैवी बनाया हुआ है कंपनी ने इसको। इसका जो आउटपुट है वो 5W 2A का आउटपुट मिल जाता है आपको फ़ोन का, इस चार्जर का। ये हमारी एक हैंड फ्री है, जो कि इंस्पायर है आईफोन के हेडफोन से। कुछ इस तरीके से आपको मिल जाती है, क्वालिटी इसकी भी काफ़ी अच्छी है। देख लेते हैं हमारी चार्जिंग केबल को। कुछ इस तरीके से आपको USB टाइप केबल मिल जाती है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है इसकी, क्वालिटी काफ़ी अच्छी। तो चलिए रख लेते हैं साइड में। चलिए हम नज़र मारते हैं हमारी मेन यूनिट पर। आपको कुछ इस तरीके से आपको पूरा फ़ोन मिल जाता है। डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है फ़ोन की, देख सकते हो काफ़ी शार्प है। चलिए मैं एक बार आपको इसकी ब्राइटनेस बढ़ाकर दिखा देता हूँ। ब्राइटनेस फुल है, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है। आपको फुल व्यू वाली डिस्प्ले मिल जाती है। बड़ी डार्क कलर की थीम इंस्टॉल कर रखी है कंपनी ने इसमें। चलिए मैं एक बार सेटिंग में दिखाता हूँ आपको। देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले मिलती है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की डिस्प्ले है। आप साइड लुक से भी इसको इजीली पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, कुछ भी अपने फ़ोन में वीडियोस देख सकते हो। काफ़ी अच्छी टच भी काफ़ी अच्छा है, रिस्पॉन्सिव है इस फ़ोन का। देख सकते हैं काफ़ी क्वालिटी में काफ़ी बढ़िया इम्प्रूवमेंट करता जा रहा है ओप्पो F7 और ओप्पो डिज़ाइनर्स। तो कुछ इस तरीके से आपको साइड डिटेल्स मिलेगी। चलिए स्टोरेज देख लेते हैं हमें कितना अवेलेबल मिलता है। 64GB में से हमें सिर्फ 50GB मिलता है, जिसमें से 1GB यूज है, और 49GB हमें अवेलेबल मिल जाता है। तो ये थी सारा एक स्टोरेज का ओवरव्यू। कुछ आपको इस तरीके से डिटेल्स मिल जाते हैं, सारे डिटेल्स आप इजीली पढ़ सकते हो। डिस्प्ले में फुल HD डिस्प्ले आपको मिल जाती है। तो एडिशनल सेटिंग में देख लेते हैं हमें क्या मिलता है। फ़ोन अबाउट फ़ोन में जाके देख लेते हैं। तो कुछ ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है हमें, स्नैपड्रैगन। नीचे की तरफ आपको 64GB वाला वेरिएंट है, 4GB रैम है इसमें। तो जिस तरीके से था फ़ोन, सारी इसकी डिटेल्स, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का फ़ोन लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। ओप्पो ने काफ़ी डिज़ाइन काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है इस फ़ोन का। तो देख सकते हो फ्रंट मेगापिक्सल
25 का है, तो कितना अच्छी क्वालिटी में फोटो आपको दिखा फोटो आपको दिखा रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है फ़ोन का कैमरा। चलिए कुछ स्टिकर्स हैं, ये पियानूस कोच पैरानुमा, चलिए स्टिकर्स में काफ़ी अच्छी फ़ोटो दिखाई दे रही है मेरी, तो जोक था, कोई बात नहीं। तो टाइम लैप्स वीडियो फ़ोटो, ये कुछ सारी सेटिंग है जो आप इससे करके अपने फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। पीछे की कैमरा 16 मेगापिक्सल का, लेकिन लग नहीं रहा 16 मेगापिक्सल का, काफ़ी अच्छी क्लियरिटी में फ़ोटोज़ शो कर रहा है ये। चलिए एक मैं फ़ोटो क्लिक करके आपको शो करूँगा किस तरीके की फ़ोटोज़ क्लिक करता है इसका कैमरा। काफ़ी अच्छा कैमरा यार, मान गए ओप्पो की तरफ से तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी वाला कैमरा प्रोवाइड कर रहा है। चलिए इससे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने इसके एक फ़ोटोज़ कुछ क्लिक करके शार्पनेस, उसको बाद में चेक करेंगे किस तरीके की डिस्प्ले में फ़ोटो दिखाएगा, अभी तो काफ़ी अच्छी दिखा रहा है फ़ोन। तो किस तरीके से आप क्लिक करिए फ़ोटो को, वो तो आपको पता ही होगा, सॉरी मजाक कर रहा था। तो चलिए कुछ फ़ोटोज़ है जो मैंने खींची है, देख सकते हो काफ़ी शार्प फ़ोटो क्लिक कर लेता है इसका कैमरा 16 मेगापिक्सल होने के बावजूद भी। जो वॉल चार्जर पे सारी डिटेल्स मेंशन है वो आप इजीली पढ़ सकते हो, और नीचे की तरफ जो पीछे की तरफ बैकग्राउंड में जो भी था वो सब ब्लर हो गया, देख सकते हो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है इसका कैमरा। तो चलिए ये थी एक छोटी सी वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।